জনসাধাৰণৰ ওপৰত মাথমাৰ। দৈনিক বাঢ়িছে ইন্ধনৰ দাম। আজিও পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 41 পইচা বৃদ্ধিৰে হলগৈ 82.75 টকা। প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত বৃদ্ধি পালে 46 পইচা। প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য হলগৈ 75 টকা 80 পইচা। শীঘ্ৰে চেঞ্চুৰী দিশে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধিত দেশজুৰি এতিয়া সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ক্ৰমাগতভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত পুনৰ মাথমাৰ চৰকাৰৰ। দৈনিক এতিয়া বাঢ়িবলৈ ধৰিছে ইন্ধনৰ মূল্য। আজিও পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 41 পইচা বৃদ্ধিৰে হলগৈ 82.75 টকা। প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত বৃদ্ধি পালে 46 পইচা। প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য হলগৈ 75 টকা 80 পইচা। শীঘ্ৰে চেঞ্চুৰী দিশে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধিত দেশজুৰি সৰ্বসাধাৰণৰ এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। मैं एक्चुअली हिमाचल से आया हूँ। हिमाचल में 75 रुपीस डालता था, जब 2 महीने पहले यहाँ आया था 85 हो गया। चलो यार कहीं आ गया मुंबई में कमाने के लिए, चलो डाल रहे करके डाला था, और 2-3 दिन में और बढ़ रहे हैं। शायद लग रहा है ऐसा ऐसा जाके ये 100 रुपये तक चले जाएगा। जब गवर्नमेंट चेंज होगा बस 5 रुपये या 10 रुपये कम कर लेगा, वो आ जाएगा 75 तो बात ही नहीं है, अभी 87 ऐसा कुछ हो गया। बाद में 3-4 रुपये कम कर लेगा, वो आ जाएगा 82-85 रुपीस ऐसे ही। तो इसके लिए क्या फंडा लेगा, क्या स्टेप्स लेगा, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा गवर्नमेंट का। कि अगर GST वगैरह पे कंट्रोल कर लिया जाए, इसमें ले आया जाए, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। और गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर दे, जो भी उनकी फालतू के खर्चे होते हैं पेट्रोल के अंदर, जो ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, तो काफ़ी कुछ ठीक हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए हालत ये है कि सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। आम आदमी इतना परेशान है कि पेट्रोल और डीजल के रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि अभी तक तो गाड़ी के लिए लोन लेना पड़ता था, अब गाड़ी चलाने के लिए लोन लेना पड़ेगा, डीजल और पेट्रोल के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा, हालत ये हो गई है। ये तो सरकार ने कुछ ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये अभी लगातार शायद 20 दिन हो गए ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ तो ध्यान देना चाहिए, तो मतलब रोज़ का इंक्रीज़ हो रहा है ये, और सब पे इफेक्ट होगा। ये तो दाम बढ़ेंगे, सब चीज़ के भी दाम बढ़ेंगे, सब महंगाई बढ़ेगी। तो हर रोज़ बढ़ते हैं, जब भी सुबह होती है हम लोग पेट्रोल भराते हैं तो देखते साथ ही दिल टेंशन में आता है कि यार अभी तो 86 था, 85 था, सुबह उठते साथ ही 87, 84, 85 हो जाते हैं। तो बहुत ही टेंशन वाली बात है कि हम लोग को एक दिन ऐसा आएगा कि बाइक घर पर रखना पड़ेगा पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल का दाम इतना महंगाई बढ़ गया, अभी ऐसा लग रहा है मालूम है जीना मुश्किल हो जाएगा। ये इतना दाम ऐसा बढ़ेगा तो कैसा चलेगा। हाँ, ये मोदी सरकार जब से आया है तब से और दाम बढ़ते चले जा रहा है। पेट्रोल पहले ऐसा लग रहा है अभी 200 रुपये लीटर होगा, हम लोग कैसे जिएंगे खाएंगे। हाँ, ये महंगाई के ज़माने में इतना दाम कम होना चाहिए। और